आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं नांगल शेरपुर से गुड़ाचंद जी की ओर जाने वाली सड़क मार्ग पर। यहां की स्थिति आपको अवगत कराते हैं कि यहां की स्थिति किस प्रकार से है। देखिए किस प्रकार से यहां सड़क मार्ग की स्थिति बनी हुई है। इस सड़क मार्ग पर देखिए संसाधन साधन निकलते रहते हैं। ये साधन निकलने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए किस प्रकार से साधनों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क मार्ग टोड़ा भीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जहानगर मोड़ा में स्थित है, जिसकी आपको लोकेशन दिखाई जा रही है। यहाँ होकर के आम व्यक्ति राहगीर बीच रास्ते से तो निकल नहीं सकते। सड़क पर इतना कीचड़युक्त जलभराव बना हुआ है और साइड में होकर के ग्रामीणों को इधर से निकलना पड़ता है। यह समस्या लगभग काफ़ी लंबे वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इस समस्या का ग्रामीणों को निजात नहीं मिल पाया। इस क्षेत्र में लगभग 50 गांवों के लोग इस सड़क मार्ग से आवागमन करते हैं, लेकिन यहाँ के सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान आकर्षण नहीं कर रहे हैं। हम इस बारे में अब यहाँ पर बैठे हुए कुछ ग्रामीणों से इस सड़क मार्ग के बारे में कुछ वार्तालाप करते हैं। जैसे कि ये अतर सिंह जी गुजर रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। ये सड़क मार्ग को कितना समय हो गया साहब खराब हुए, ये बता सकते हैं? सड़क मार्ग तो 15 पुराना बना हुआ है। हाँ, इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, निकलने में परेशानी आती है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करता है। सुनवाई MLA आते हैं, MP बन के चले जाते हैं, MLA बन के चले जाते हैं, लेकिन फिर के ऐसे नहीं देखते कि ग्राम पंचायत मोड़ला में क्या हो रहा है। तो ये ग्राम पंचायत मोड़ला की स्थिति है? ये तो ये ग्राम पंचायत मोड़ला की स्थिति है। और तो ये तो सड़क, ये तो PWD का सड़क है। PWD का सड़क बना हुआ है, भी 2 से पहले से बना हुआ है, जिसमें भी गड्ढे पड़े हुए हैं। यार ये स्थिति है सर। जब अब आप हम पहुंचे हैं जगदीश जी गुजर के पास, उनसे वार्तालाप करते हैं कि आप रोजाना आवागमन करते हैं इस सड़क मार्ग से, तो आपको कैसा लगता है सड़क मार्ग पर आते हुए? आते हुए ऐसा लग रहा है पहाड़ में चढ़ रहे हैं, गड्ढे पड़ रहे हैं, रास्ता बिल्कुल खराब है, खत्म है। रोड तो बिल्कुल ना कोई नहीं है, रोड का तो बिल्कुल ही खत्म है मामला ही। अच्छा अच्छा। और लेडीज के भी मोटरसाइकिल होते थे, बेचारी के स्टीयरिंग फेल है, छोटे वाहन। आपकी जानकारी के अनुसार ऐसे सड़क मार्ग को बने हुए कितना समय हो गया? 15 से ज्यादा है ये, 15 और कम से कम है ये तो 15 से। और उसके बाद में ये रोड सड़क निर्माण दोबारा हुआ नहीं है? अभी भी नहीं हुआ, 15 से हम देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल रोड खत्म है साहब, रोड है ही कहाँ है। तो ये स्थिति लंबे समय से बनी हुई है ना, तो ये जो स्थिति यहाँ की ग्राम पंचायत मोड़ला में जो सड़क मार्ग निकल रहा है, इसकी स्थिति यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, इस प्रकार आगे भी है क्या? आगे आर पार है, ठेठ तमाया तक यही कंडीशन है, बिल्कुल रोड दिखता नहीं, कहीं भी पानी गड्ढे, पानी गड्ढे हो रहे हैं। तो गड्ढे होने से मतलब ग्रामीण यहाँ गिरते पड़ते भी है क्या? लेडीज गिरती है, चार मोटरसाइकिल गिर जाए भाई, पानी भी यही पता नहीं लगता क्या गड्ढा कहाँ है, फट गिर जाए। अच्छा, इस तरीके से गिर जाते हैं। हाँ, चोटिल भी तो, हो जाते हैं। कई तो डेथ है कि साहब, मौत है, बेचारी बहुत प्राय खत्म है। हाँ हाँ, ऐसा हमने भी सुना था एक बार पहले, उस समय खबर भी लगी थी, ये चलती है। हाँ, उंगली बेचारी। अब हम बात करते हैं, श्री बाबूलाल मीणा जी हैं यहाँ विराजमान हैं, इनसे पूछते हैं क्या मामला है सर यहाँ के सड़क मार्ग का। आपके जनप्रतिनिधि क्या कहना चाहते हैं, या जनप्रतिनिधियों के बारे में, या सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम 15-16 होगी इसे गड्ढा में देखते हुए। हाँ, रमेश MLA आया तो वाहू रोड की आई पुकार करी तो वहाँ दर्शन को किया। अच्छा, घनश्याम मेहर आया तो वहाँ भी दर्शन नहीं करे साहब। अब PR है तो वहाँ भी नहीं झुक रहा साहब। अच्छा, अब की बात है ना, मतदान करेंगे ही नहीं। आपने ये पक्का विचार कर लिया है कि यदि सड़क मार्ग नहीं बना तो आप मतदान नहीं करोगे? आप ही नहीं करोगे, आपके क्षेत्र के लोग भी नहीं करेंगे? पूरे क्षेत्र के लोगों ने ये विचार कर लिया है कि आप
मतदान नहीं करोगे? बिल्कुल मतदान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहना है यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कि अब की बार यदि यह सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ ढंग से तो हम निश्चित तौर पर किसी भी कीमत पर एमएलए एमपी के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। ये रोड के किनारे चल रहा है, रोड के ग्रामीणों का कहना है कि रोड पर तो हम होकर निकलते ही नहीं है, सड़क के किनारे किनारे हम जो है निकल रहे हैं। अब देखिए आपको ये साफ तौर पर लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से ये रोड की स्थिति बराबर कोड़ा भीम उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जहानगर मोड़ला नांगल शेरपुर कमालपुरा धोलेटा धवान तमाया आदि होकर निकल रही है। इसकी स्थिति तमाया से लेकर नांगल शेरपुर तक यह स्थिति बनी हुई है और इधर नांगल शेरपुर से तमाये तक बनी हुई है। यह स्थिति विडम्बनीय है। यहाँ के क्षेत्र के उच्च अधिकारी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के हैं उनको उनका इस सड़क की तरफ कोई ध्यानाकर्षण नहीं है।